हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। यदि सुबह के नाश्ते और दोपहर के भोजन में आप पौष्टिक आहार की तलाश में हैं, तो ऐसा ही परफेक्ट ऑप्शन है नाचनिया रागी की रोटी। और यह फिंगर मिलेट या रागी एक ऐसा हाई फाइबर युक्त अनाज है जिसमें कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी यह एक सुपर फूड का काम करता है। तो चलिए, रेसिपी शुरू करने से पहले मैं मिक्स सीजन में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। नाचनिया रागी की रोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी नाचनी का आटा लिया है और यह आटा बाजार में आसानी से उपलब्ध है। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। एक कटोरी रागी के आटे के साथ में मैंने एक कटोरी पानी लिया है और उसी के साथ में लेंगे आधा चम्मच नमक और एक चम्मच तेल लेंगे। तो बस इस सिंपल सी सामग्री के साथ में आप नाचनी की रोटी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, उसमें मैं एक कटोरी पानी ऐड कर दूंगी और उसी के साथ में आधा चम्मच नमक डालेंगे और एक चम्मच तेल ऐड कर देंगे। और अब हम पानी के उबलने का इंतजार करेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि पानी के उबलने के बाद ही हमें इसमें आटा डालना है। तो आप देख सकते हैं पानी में बढ़िया सा उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसमें एक कटोरी नाचनी का आटा डालेंगे और इसे चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चम्मच की सहायता से नाचनी के आटे को लगातार मिक्स करें जब तक कि नाचनी का आटा पूरा पानी सोख नहीं लेता है। आप देख सकते हैं कि नाचनी के आटे ने पानी को सोख लिया है। और इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया को हमें गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद ही करना है। और दर्शकों, आज की यह रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको रेसिपी समझने में भी आसानी होगी और आपका कोई स्टेप भी मिस नहीं होगा। तो चलिए, अब हम इस आटे को कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। अब एक बड़ी सी थाली लें या एक डिश लें और उसमें थोड़ा सा तेल लगाकर आटे को निकालें। और जब आटा थोड़ा ठंडा हो जाए तो हाथों से मसलकर रोटी के आटे जैसा सॉफ्ट आटा गूंथ लें। और अगर आटा गूंथते समय आपको लगे कि आटा बहुत ज्यादा सख्त है तो आप इसमें एक से दो बड़े चम्मच गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ आटा गूंथते समय बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। एक कटोरी आटे के साथ में एक कटोरी पानी लें और यह एक परफेक्ट मेजरमेंट है। तो आप इस मेजरमेंट से आटा गूंधिए, आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए, मैंने सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लिया है। और इस बात का ध्यान रखें कि आटा न ज़्यादा सख्त हो और न ही ज़्यादा नरम हो। ज़्यादा नरम आटा गूंथेंगे तो आपको रोटी बेलने में परेशानी हो सकती है। और यह आटा अभी भी हल्का सा गर्म है तो हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। आटे के ऊपर ढक्कन रखें और इसे 10 मिनट तक रेस्ट के लिए रख दें। और दर्शकों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी लेटेस्ट रेसिपीज की वीडियो को देखने के लिए बेल बटन आइकॉन प्रेस करें। तो चलिए, 10 मिनट हो चुके हैं। आटे को हम हल्का सा गूंथ लेंगे और इसके समान बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको जितनी बड़ी या छोटी रोटी बनानी है उस हिसाब से आप लुए बनाकर तैयार कर लीजिए। और दर्शकों, गेहूं की तुलना में रागी का आटा स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभकारी माना जाता है, तो आप इसे अपने भोजन में अवश्य शामिल करें। रागी की रोटी को बेलने के लिए यहाँ पर मैंने रागी का सूखा आटा लिया है। आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। अब एक लुआ लें और उसे सूखे आटे में लपेट लें और हल्के हाथों से रोटी बेल लें। जिस तरह से हम रेगुलर गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं ना, बस उसी तरह से हमें इस रोटी को भी बेल कर तैयार करना है। तो चलिए दर्शकों, नाचनी की रोटी को मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है और अब मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। मैंने इसे बहुत ही पतला बेल कर तैयार किया है। और इस नाचनी की रोटी को आप जितना पतला बेलेंगे उतनी ही यह सॉफ्ट बनेगी। तो चलिए, अब हम रागी की रोटी को सेक लेते हैं। अब तवे को मध्यम आँच पर गर्म करें और तवे पर रागी की रोटी डाल दें। और अब कुछ सेकंड के बाद रोटी को पलट लें और रोटी को किनारों से दबाते हुए रोटी को फुलाकर अच्छे से सेक लें। आप चाहें तो रोटी के ऊपर हल्का सा देसी घी लगा लें, इससे रोटी और भी ज़्यादा नरम हो जाती है और स्वादिष्ट भी बनती है। वैसे देसी घी की जगह पर आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इस रोटी को सेकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि हमने पहले ही नाचनी के आटे को उबले हुए पानी में डालकर आटे को अच्छी तरह से पका लिया है। रोटी के ऊपर हल्के से ब्राउन धब्बे दिखाई दे तो इसका मतलब हमारी रोटी बनकर तैयार है। अब हम इसे तवे से नीचे उतार लेंगे। रोटी के ऊपर हल्का सा घी लगा लें, इससे रोटी 10 से 15 घंटे तक इसी तरह से सॉफ्ट बनी रहेगी। इसी प्रक्रिया के मुताबिक सभी रोटियों को बनाकर तैयार कर लें। तो आप देख सकते हैं कठिन से दिखने वाली रागी या नाचनी की रोटी घर पर बनाना कितना आसान है।
और बच्चों के टिफिन के लिए यह रोटी एक उत्तम पर्याय है। आप इसके ऊपर हल्का सा घी लगा लें, इसे बच्चे बड़े खुश होकर खाएंगे। और रागी या नाचनी में कैल्शियम की मात्रा अन्य किसी अनाज से बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इसे बढ़ते हुए बच्चों को ज़रूर दें। तो चलिए आप देख सकते हैं, इसी प्रक्रिया के मुताबिक मैंने सभी रोटियों को बनाकर तैयार कर लिया है और उनके ऊपर हल्का सा घी लगा लिया है। इस रोटी को आप अपनी कोई भी पसंदीदा सब्जी, चटनी, दाल और अचार के साथ में खा सकते हैं। सभी रोटियों को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ हमारी ये रोटी कितनी सॉफ्ट बनी है। तो आप दो तीन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी भी रोटी इसी तरह से नरम और सॉफ्ट बनेगी। तो चलते चलते मैं यहाँ आपको एक सुझाव देना चाहूँगी, पानी के उबलने के बाद ही उसमें नाचनी का आटा डालें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो दर्शकों, आप भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और इस तरह से नाचनी रागी या फिंगर मिलेट की रोटी को एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।